नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हरी जिले की ग्राम अबोरा में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए ग्राम अबोरा में बनाई गई ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। जी हां, हम सबको बता दें कि बुंदेलखंड के बेटे ने राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुंदेश्वर 10वीं के छात्र डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह परामार के पुत्र अजय देव परामार एवं अजय देव परामार के भाई लोकेंद्र सिंह बुंदेला, सत्येंद्र प्रजापत सिंह बुंदेला, ये तीन लोग ने मिलकर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर छिड़काव मशीन को तैयार किया है। जब इस संबंध में अजय देव परमार से बात की तो उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ डीएम एवं चीफ सर्जन अमित चौधरी को डोनेट करने को बताया है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाने में लगभग 3-4 हजार रुपए का खर्च आया है। वहीं ऑटोमेटिक सैनिटाइजर छिड़काव मशीन 15 दिन में बनकर तैयार की गई है। वहीं इन्होंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन छिड़काव मशीन बनाकर अपने गाँव का नाम रोशन भी किया गया है। टीकमगढ़ से नमस्कार सभी को, मैं अजय दीप परमार जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर का छात्र। मैं और मेरे भाई लोकेंद्र प्रताप सिंह मुंदेला ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है जो कि एक डोर स्टेप की तरह काम करती है। तो ये बहुत छोटी और बहुत सस्ती है जो हम लोगों की खुद की आइडिया है, खुद का इनोवेशन है। इस कोविड-19 के पेंडेमिक दौर में इस समय हमारी कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की लोगों की जान बचा रहे हैं, उनकी जान आज खुद खतरे में है। तो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक वन का घोषणा की है जिसमें बहुत सारे स्कूल, मंदिर, बहुत जगह सार्वजनिक जगह खुल जाएंगी जहां पर कोरोना के किस बढ़ने की संभावनाएं होंगी। उस जगह हमें सैनिटाइजर मशीन का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कोरोना कमी हो सके। जो हमारी ये मशीन है रिचार्जेबल मशीन है 12 वोल्ट में, और इसमें मेन प्रिंसिपल फ्रीस्टाइल का है। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा सकता हूँ कि जैसे हम इस पर खड़े हो, कोई भी आता है बाहर से खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक मशीन चलती है और जब सैनिटाइज हो जाता है वो हट जाता है, बाहर आ सकता है। एक पूरा चैम्बर टाइप का हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि होगी और हम इसको पेटेंट करवाना चाहते हैं। अभी इस वक्त हमने टीकमगढ़ DM चीफ सर्जन अमित चौधरी और DM झांसी को इसको डोनेट करने के लिए हमने बताया है, अभी तक उनसे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।